बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडा मेज़बान जिमल खान। प्रोग्राम तुसीं वेखदे पे हो पब्लिक आई लाहौर सेंटर दा। जी बिल्कुल, जिंदा दरां लाहौर दा प्रोग्राम, जिंदा दरां लाहौर दे मसाइल अवामी अंदाज़ दे विच। नाज़रीन इकराम, महंगाई दी मारी अवाम अजकल दर दर धक्के खाण ते मजबूर है। वजूहात ए ने कि दिन ब दिन वधदी हुई महंगाई ने इहनां दा जीना हराम कीता है। एक पासे हुकूमत सबसिडी देण दा ऐलान करदी है, यूटिलिटी स्टोर दे उत्ते आटा, घिओ, चीनी, अशिया खुर्दोनोश दे उत्ते अरबां रुपए की सबसिडी बजट के मुख्तस की जाती है, तो दूजे पास इन्हों यूटिलिटी स्टोर का जोड़ा अमल दरामद है वह वहाई नहीं दिता। अज भी अगर यूटिलिटी स्टोर की कारकरदगी के हवाले मैं गल करा तो वह इंतहाई अबतर जी नज़र आती है। मैं इस वक्त मौजूद है, मेरे पिछे तुम वेख सकते हो कि यह कैवलरी ग्राउंड का वो यूटिलिटी स्टोर है कि जिते आवाम सबसिडाइज रेट के उत्ते अशाए खुरदो नोश देन का किया गया है। लेकिन सूरत हाल तुहाडे सामने है कि इस वे भी इस यूटिलिटी स्टोर जोड़ा है वह बंद किया गया है। आवाम इतने आँदी है, लंबी लंबी लाइन च लगती है और फिर बेयारो मददगार खाली हाथ वापस जाने मजबूर हो जाती है। कि वजूहत ने, यह जिम्मेदार कौन है, ये की अमल दरामद होना चाहिए है? आवाम सबसिडाइज रेट के उत्ते आटा, घ्यो, चीनी रेट किवें फराम किए जा सकते हैं, ये साढ़े अज के प्रोग्राम का मौजू। असी मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर जावे, उत्थे खलोती आवाम के उत्ते उन्होंने पूछांगे कि मसाइल उन्होंने दरपेश ने और आटा, चीनी, घ्यो दे विच जिहड़े सबसिडाइज रेट के उत्ते चीज़ा मिलदियां पईआं ने, इन्हां दी क्वालिटी बारे की कहंदे ने। प्रोग्राम का बकायदा आगाज़ करदे आं, साडे नाल रहना। जी प्रोग्राम का बकायदा आगाज़ करदे आं, मौजूद हैगे असीं कैवलरी ग्राउंड दे इस यूटिलिटी स्टोर दे उत्ते। इह लाहौर दे दर्जना यूटिलिटी स्टोर दे विच इक यूटिलिटी स्टोर है और अगर जाए तो हावे तो यह फिलहाल बंद किया गया है। वजह दसी जा रही है कि बवजह स्टॉक चेकिंग स्टोर बंद है, सारा अमला मौजूद है, अशाए खुरदोनोश भी मौजूद है, लेकिन आवाम नू सहूलियात देन तो यह आरी दिखाई देता है। कि वजूहत ने, यह जिम्मेदार कौन है, ग्राउंड रियलिटीज़ की ने, सब कुछ अभी तुम विखावे अज के प्रोग्राम के। मेरे नाल एक खातून मौजूद है कि जिहड़ा इस यूटिलिटी स्टोर के अशाए खुरदोनोश खरीदी ने, इन्हां कोल इन्हां नाल गुफ्तगू करांगे कि यह कि मुश्किलात दो चार ने और आया यूटिलिटी स्टोर के उत्ते इन्हों की जी मुतलका अशिया होंदिया ने वो इन्हों सबसिडाइज रेट के उत्ते मुयसर ने, किहड़ी मुश्किलात दा इन्हों सामना करना पै रहा। माँ जी बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, तुसी आए हो, स्टोर बंद है, ए नॉर्मली यही सूरत आ रही है जी? सुबह से ये मेरा दूसरा चक्कर है। अच्छा, हाँ जी, तो फिर आप शाम को चक्कर लगाएंगे अगर खुला हुआ तो? किन्ने के चक्कर तुहाडे लग जांदे ने दिन दे? ये अब मेरा दूसरा है, शाम को तीसरा होगा। अच्छा। ना हुआ तो फिर कल। आम तौर पे जब तुसी ये स्टोर खुला होंदा है फिर की सूरत हाल होंदी? ये हमने चीनी या घी, मतलब के थोड़ा थोड़ा इन्होंने कम किया हुआ रेट पे लेते हैं, तो ये कहते हैं कि और भी सौदा यहाँ से लेंगे फिर आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अच्छा, वो जरा शनाती कार्ड का मसला है कि शनाती कार्ड भी लेके आओ, वो मांगते ने ताडे कोलों? मांगते हैं। अच्छा, वो मैं जब आई थी तो इन्होंने कहा शनाख्ती कार्ड लेके आए, वो लेके आई थी, फिर इन्होंने कहा मोबाइल लेके आए, फिर मेरा दूसरा चक्कर लगा, मैं मोबाइल लेके आई, फिर उन्होंने ऊपर कोई कोर्ट भेजा और उन्होंने कहा कि नहीं आया ना। अच्छा। फिर घंटा इंतजार किया। अच्छा। फिर उसके बाद दोबारा, तो फिर उन्होंने कुछ सौदा दिया था। सारी दिहाड़ी तुम यही करते रहते हो, घर के काम काज छड़ के बुढ़िया बस यही मजबूरियां लगी हुई कि इतने आते ने खलोते रहते हैं गर्मी के बीच। आया ना मिले तो फिर हमें उधर से लेना पड़ता है, दूसरे स्टोरों से। अच्छा, उधर से रेट में फर्क है क्या? फर्क मतलब कि इनमें दो तीन चीजें हैं जो कम है। कम है, ये दसो कि हुकूमत नु की करना चाहिए, मसलन तुसी वेखो ना, कहंदे हो कि दो तीन चक्कर तुहाडे दिन दे लगदे ने, की करना चाहिए हुकूमत नु कि आवाम नु अच्छे तरीके दे नाल एहसन अंदाज दे नाल ए अशियाए खुरदोनोश मिलन, की कहना चाहोगे हुकूमत? ये इनको इतनी सहूलत देनी चाहिए कि जब आए तो हमारे चक्कर ना लगे और जो चीज हमें लेनी है जरूरत है वो लें, ये ना कहें कि अब आप और भी सौदा लेंगे फिर आपको मिलेगा। लगती हैं? लगती हैं। अच्छा, कितनी देर खड़ोते रहते हो फिर? ये दो तीन घंटे खड़ा होना, पता बच्चों को खड़ा कर जाते हैं, जब बारी आती है तो फिर ले जाते हैं, या फिर ना मिले दो तीन चक्करों के बाद मजबूरन से कभी उधर से ले लेते हैं। अच्छा। ज्यादा जरूरत हो तो फिर उधर से लेना पड़ता है। चलो, बहुत मुश्किल ने आसान करे। भाई सलाम, ठीक ठाक हो? की लेना है? सर मैं घी लेने आया हूँ, मैं तीन चक्कर लगा लिए पर मिल ही नहीं रहा, मैं जोड़े पुल से पता करके आया हूँ, वहाँ पे जब घी आता ही नहीं है, वहाँ पर लाइनों में लगे रहते हैं, उसके अलावा क्या नाम घी मिलते हैं, जब बारी आती तो घी खत्म हो जाता, थोड़ा थोड़ा घी स्टॉक दे रहे हैं वो। अच्छा। और यहाँ पे लाइन इतनी ज्यादा होती है की घी ना, तुम दूरों आए हो जोड़े पुल तो वापस पेट्रोल लग गया होना? नहीं, यहाँ मेरी शॉप है, यहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूँ।
तो मैंने कल भी मैं यहाँ आया पर मेरी बारी आई तो घी खत्म हो गया, दो दो पेटियां घी आता है यहाँ पर, घी आता ही नहीं है यहाँ पर। चुंगा चुंगा करके देते, चुंगा चुंगा करके देते ने, कहते ने कि ना खत्म हो गया, जो भी आने खत्म हो गया। दसो कि जी क्वालिटी हैगी भाजी घ्यो की या आटे की या चीनी की, वो ठीक हैगी? पहले नालों थोड़ी बेहतर हैगी पर इन्हों मजीद चाहिए कि ये होर बेहतर करन, कि आटा बहुत ही काला और की ना बहुत ही गंदा आटा है, नाकस आटा मिल रहा बिल्कुल ही है, और चीनी बिल्कुल बरीक हैगी ना, वो मिठास हैगी ना कुछ है, वो कुछ भी नहीं जाएगा चीनी से है। सूरत हाल है घ्यो भी पास एन जी है, घ्यो मिलता ही नहीं, एक बार मिले रमजान चो बाद चक्कर ला ला के थक गए, घ्यो लभदा ही नहीं पाया सानू। तो आम तौर पर हूँ तो स्टोर बंद है, तो रश घट है, जो तो आम तौर पर स्टोर खुलिया होंगे तो लैना लगदिया ने, लैन इन्नी लंबी होंगी है कि कहने की हद नहीं, लड़ाई हो रही होंगी कि सानू भी घ्यो दो, अपने अपने बंद दे जाते हैं, जो बाहर के खलोते होंगे ने उन्होंने घ्यो लभदा ही नहीं है। शनाती कार्ड का जो अजाब पाया इन्होंने लिख के भी लाया कि जदीद निजाम से खरीदारी बचत करना आसान वन टाइम पासवर्ड, वो की है जी? वो हूँ इन्होंने प्रोग्राम लाया कि जी कोड आएगा तो कोड उन्होंने आंदा ही नहीं है, तो बाद च कहते चले जाओ तो कोड आएगा तो फिर आगे लैना, कोड आंदा ही नहीं साढ़े को जोड़ा, तो फिर अभी घर वापस चली जाइए, कोड आंदा ही नहीं है। कैमरा तुहाडे सामने है कि कहना चाहोगे वजीर आजम मसल ऐलान तो उन्होंने किया कि असं अरबा रुपये रख दते ने बजट के सबसिडाइज नरखा के उत्ते अशियाए खुरदोनोश है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज तुहाडे सामने है, वजीर आजम सामने की अपील करना चाहोगे, वजीर आला पंजाब अगे की दरखास्त करना चाहोगे? मेरी ये अपील है उन्होंने वास्ते कि आवाम वाले चीज़ें सस्तियां करन और आम हर बंदे नूं मिलन, कि ऐ नहीं वापस मकदार जी रखनी चाहिए चीज़ा के हर बंद मिलन, हर बंदा वो तो फायदा उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और भी मोटरसाइकिल बैठे ने उन्होंने को पूछने, भाई जी कितों तशरीफ ले आए हो, की लैन आया? मैं आरिफ सर कैंट तो आया, मैं समान लैन आया, सर अगे वेखा दरवाजा बंद है, इतों सस्ता घ्यो मिल जाता, चलो गरीब आदमी का कोई आसरा हो जाता, लेकिन ये घ्यो छड़ गए तो पूरा स्टाफ ही गैब हो गया। अमूमी तौर पर इन्हों का रवैया कैसा है यूटिलिटी स्टोर वाले, मसलन असं उन्होंने कहा कि पब्लिक आ रही है मोटरसाइकिल तो गरीब खवातीन भी आ रही ने, मर्द भी आ रहे हैं, खोल दो तुम अपनी स्टॉक चैकिंग करते रहो, इन्ना बड़ा अमला तेरे कोल है, तो स्टॉक चैकिंग करते रहो, सौदा भी देंदे रहो, कहते नहीं जी असं नहीं बंद करना, अब सारा दिन बंद रहेगा, इन्हों का रवैया कैसा है जी? रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं है जनाब, जरा स्टॉक चैक करना, स्टॉक चैक करते लोग खरीदते रहन, कुछ ने 500 समान लाना, किसी ने 1000 का, किसी ने 2000 का, उन्हें लैके निकलते रहना, उनकी जगह दूसरे लोग दाखिल होते रहने ने, ये वैसे चाहिए तो इस तरह के लोग अंदर जान, गर्मी की वजह तो लोग बाहर खड़े ना हो। अच्छा कि देर जो आम तौर पर स्टोर खुला होंगे लैना च लगते हो, तो जो क्वालिटी हैगी शायद खुरदो नोश दी चाय चीनी आटा घ्यो वो ठीक हैगी? सर आटे की तकरीबन नॉर्मल हैगी, इन्नी अच्छी आटे की क्वालिटी नहीं हैगी, कई लोग तो खरीदते ही नहीं आटा, बाहरों महंगा खरीद के खाना पैंता, अगर अच्छा क्वालिटी का इतों आटा सस्ता मिले तो जोड़ा ए लोग लैके ज़्यादा लोग लैके खान। अच्छा कि महंगाई हैगी तो कि फर्क है इन्होंने रेटों के बाजार के रेट? सर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ घ्यो च है, और घ्यो की क्वालिटी भी इन्नी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन लोग सस्ते की वजह तो लोग आते हैं, जोड़ा वो भी कोई नहीं लभदा। अच्छा की पैगाम और दरखास्त करना चाहोगे वजीरे आला वजीरे आजम अगे? असी दरखास्त यह करना चाहेंगे जनाब, इनकी एक तो क्वालिटी अच्छी की जाए, अगर गरीब आदमी रिलीज मिल रहा है तो उन्होंने अच्छे तरीके ना मिले, अच्छे तरीके ना उन्होंने जी प्राइस अगर कम है तो उसी प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिले, ताकि सेहत लिए और इकतदार लिए सब अच्छा हो। पब्लिक आ रही है, मोटरसाइकिल सवार आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों तो, और इधर बदर के धक्के खाने से मजबूर हैगी आवाम, वजूहत की ने? वजूहत महंगाई है, अज दिन ब दिन वजदी हुई महंगाई ने आवाम का जी जिंदगी है उन्होंने अजीरन किया है, बाहर बाजार के जोड़ा घ्यो 450 रुपए का मिलता पे है, और यूटिलिटी स्टोर के उत्ते कोई 100-150 रुपए के फर्क ना मिलता, लेकिन पब्लिक आँदी है लंबे लंबे लाइना च लगती है और फिर वापस चली जाती है। अज भी तुहाडे सामने सूरत हाल हैगी है कि पब्लिक आ रही है खरीदारी वास्ते आ रही है, हकूमत पाकिस्तान को पैसे देने तैयार है, लेकिन सहूलियात नदारद है ने। भाई और आए हैं एक होर मोटरसाइकिल सवार, भाजी कितों तशरीफ ले आए हो? आए तो इतों करीब तो ही है गुलबर्ग तो, लेकिन जरा ना इतने जो आओ बंद ही मिलता पाया। अच्छा। कोई यानी कोई चक्कर लग जाते कम अज कम मेरा तो हर दूसरा ही चक्कर है। अच्छा। लेकिन जरा इतने देखने तो लाइन ही लगी होती है। कम काज किए करते हो जो सारा दिहाड़ी चक्कर इसे चक्कर ही होंगे कि हाँ ही चलो कोई अपना जी फैसिलिटी मिलेगी लग जाए है फर्क तो थोड़ा बहुत है ऐसे ली थी अगर पब्लिक आएगी क्वालिटी क्वालिटी वाइज तो गल कह लो कि हूँ जो आसरा है कि अगर शान बिलासपति है तो मुख्तलिफ है अगर कोई दूसरे गए तो सस्ते वो मिलते नहीं है। पब्लिक आम तौर पर शिकायत करती है ना कि पता नहीं केड़े केड़े ब्रांड इन्होंने घ्यो रखे होंगे ने असी ना कभी भी नहीं सुने क्वालिटी पता नहीं कहो जी है आटा हूँ भाई शिकायत करते पे कि काला शाह आटा मिलता पे है
माई खलोती सी मेरे को कहती खातून के जी चीनी है बिल्कुल पाउडर हैगी है तो यह शिकायत ठीक है ने बहरल मैं शायद चीनी तो नहीं खरीदी लेकिन यह है कि आटा का जो क्वालिटी किसी टाइम तो अच्छी आती किसी टाइम जरा ना चलो बिल्कुल बूर होता है रवैया जोड़ा है वह आम तौर पर शिकायत करते हैं कि हूँ देखो कि बवजह स्टॉक चैकिंग स्टोर बंद किया है हालांकि बावजूद काफ़ी वड्डी तादाद अमला मौजूद है ऐसा नहीं पॉसिबल कि कुछ अद्धा अमला जो स्टॉक चैकिंग कर ले और अद्धा अमला वो स्टोर न संभालता रहे नहीं माँ जो अमले के मुताबिक तो अभी जदों तक हार जदों से आ रहे हैं अलहमदुल्ला कोई ऐसी परेशानी तो फिलहाल नहीं है लाइन लगती होंगी लाजमी कह लाइन लगती की दरखास्त करना चाहोगे वजीर आला वजीर आजम तो कहना मैं अरबा रुपए की सबसिडी मुख्तस की है वजीर आला कहता है वजीर आजम कहता है आवाम रिलीफ देंगे और रिलीफ नज़र आ रहा है और की दरखास्त करना चाहोगे रिलीफ तो नज़र आ रहा है लेकिन अगर स्टॉक अवेलेबल हो स्टॉक अवेलेबल हो तो फिर ही मिलेगा ना अगर स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है तो फिर कितों मिलेगा नाज़रीन कराम स्टॉक अवेलेबल नहीं होएगा तो कितों मिलेगा सूरत हाल तुहाडे सामने हैगी है स्टोर कैवलरी ग्राउंड का यूटिलिटी स्टोर है खवातीन भी आ रही ने मर्द भी आ रहे हैं और वापस जाने मजबूर ने अगर जावे तुहानू आवे तो इत्थे हले भी बवजह स्टॉक चैकिंग स्टोर बंद है इस पासे स्टोर की अगर टाइमिंग वहाई जाए तो सुबह 9 तो लैके शाम तक और वक्फा बराए खाना 1 बजे तो लैके 3 बजे तक दूसरे पासे जदीद निज़ाम खरीदारी पर बचत करना हुआ आसान ए दावा करती है पंजाब हुकूमत और ये शनाख्ती कार्ड लैके आओ तुहाडा मोबाइल नंबर लैन गए फिर तुहाडे मोबाइल नंबर के उत्ते वन टाइम पासवर्ड आएगा उस पासवर्ड की तस्दीक करेंगे उस तो बाद जनाबे हाली जेडे यूटिलिटी स्टोर का अमला है अगर तुहाडे खसूसी नजरे करम कर दें तो तुहाडे तुहानू 1 किलो घ्यो या 2 किलो चीनी या 1 आटे का तोड़ा जोड़ा है वह इनायत हो जाएगा नहीं तो कई खाते रहोगे अज की सूरत हाल तुहाडे सामने है कि यह खवातीन ए मर्द इस गर्मी की हालत इतने आते हैं लेकिन बेयारों मददगार ने वापस चले जाते हैं कोई पुछपरीत करने वाला नहीं है वजीर आला पंजाब अगर दरखास्त है कि भरा खुदारा इस अमले का इन्हों स्टोर के अमले का इन्हों की मैनेजमेंट को इस गल की पुछपरीत होनी चाहिए है कि यह सरकारी मुलाजम ने यह तनखावं लेंदे ने और इस गल यकीनी बना कि आवाम को सहूलत दी जाए आज भी सूरत हाल तुहाडे सामने है बाजी आप बताइएगा कितनी देर से आ रही है 5-6 चक्कर लगा चुके हैं बंद ही है ये जब भी आते हैं बंद होता है वैसे सरकार ने जी बचा था यहाँ से आके लो सस्ता है कुछ भी नहीं है यहाँ इस गर्मी में आप आती हैं जाती हैं घर के काम का छोड़ कर अब भी आए हैं तो बंद ही पड़ा है हाँ जी क्या कहते क्या है मुंह में तौर पर यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हाँ कुछ भी नहीं है कोई फायदा नहीं बस कैसी है बाजी ये बताएं घी की चीनी की आटे की वो तो आपको पता है जब सस्ता देना है तो अच्छा थोड़ी होना है वो घटिया ही होता है बस गरीब इंसान क्या करे लेके इस्तेमाल तो करना ही है अब इस वजह से लेना पड़ता है आपके सामने क्या वजीर आला पंजाब दावे तो बहुत करते हैं हमजा शहबाज साहब कर सकता कोई कुछ नहीं करता हर कोई अप अपना घर देखता है अपने पेट पाल रहा है बस शुक्रिया नादरीन कराम ए वजीर आला पंजाब अगे एक दरखास्त भी हैगी है एक गुजारिश भी हैगी है कोई खुतारा गरीब आवाम की इस मजबूरी का नोटिस लिता जाए हुकूमत दावे करती है सबसिडाइज रेटा के उत्ते अरबा रुपये बजट के मुख्तस किए जाते हैं सहूलत देने रिलीफ देने लेकिन ग्राउंड रियालिटीज तुहाडे सामने ने कि अज स्टोर जो बंद है आवाम दरवाज़ा खटखटा रही है लेकिन अमला स्टोर का दरवाज़ा खोलन से तैयार ही नहीं नज़र आता नरेंद्र कराम प्रोग्राम के दूसरे सैगमेंट के एक होर यूटिलिटी स्टोर पर जावे उत्थे भी तुहानू आवांगे की सूरत हाल है पब्लिक नू किहड़ा ही मुश्किल का सामना करना पै रहा है अशियाए खुरदो नोश की क्वालिटी किहो जी हैगी है और सबसिडाइज रेट के उत्ते घ्यो आटा चीनी दाला चावल यह मिलते पे ने कि नहीं प्रोग्राम चाहिए होया जाता है छोटे वक्फे का वक्त मिलेंगे एक ब्रेक तो बाद जी वेलकम नादरीन एक दफा फिर तुम जी आया नुआ प्रोग्राम तुम वेखते पे हो पब्लिक आई लाहौर सेंटर का मेन मार्केट के यूटिलिटी स्टोर के बाहर मैं पहुँच गया वहाँ यह लाहौर का दूसरा वड्डा यूटिलिटी स्टोर भी कहलाया जाता है और बड़ी वड्डी तादाद पब्लिक इतने आती है अशियाए खुरदो नोश लैन वास्ते इस यूटिलिटी स्टोर के अशिया सबसिडाइज रेट के उत्ते मिलती पईआं ने आया आवाम को जो रिलीफ देने के वादे किए गए हैं उद्दे अमल दरामद हो रहे हैं नहीं हो रहा क्यों की क्वालिटी कैसी है क्यों मिलता पे है किन शरायत पर मिलता पे है आटा चीनी दाला किहड़े रेटा पर मिलदियां पईआं ने यह सब कुछ वहावे तुहानू इस ब्रेक के आवाम नाल गलबात करांगे कि जिंदा दराने लाहौर इस रिलीफ नू किस नज़र नाल वेखदे ने साडे नाल रहण नदरीन यूटिलिटी स्टोर के उत्ते मौजूद है और अज का साडा मौजू है प्रोग्राम का यूटिलिटी स्टोर के उत्ते हुकूमत पाकिस्तान वालों रिलीफ
देने के दावे किए गए। अरबां रुपए की सबसिडी हर साल वांगू इस साल भी बजट के मुख्तस की गई है, ताहम सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है, ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल बरअक्स ने। आयुरी साहब मौजूद ने, खाली हथ वापस जा रहे थे, मैं इन्होंने रोक लिया, इन्होंने पूछिए कि की लैन आए थे और खाली हथ वापस क्यों जा रहे हो। जनाब यह दसो कितों तशरीफ ले आए हो, की लैन आए थी और की नहीं मिले, खाली हथ क्यों जा रहे हो वापस? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बावन नगर का रहसी हाँ, लाहौर काम करने से। मजदूरी कर दो? जी मजदूरी करने, ठीक है ना, और उत्थे तो सानू मिल ही नहीं रहा, लाहौर के भी नहीं मिल रहा। अच्छा, एक यूटिलिटी स्टोर से गए 10 बजे, कहते ने मैं 10 बजे पहुंचा तो कहते नहीं है ही नहीं, क्यों 12 बजे गया, मुक भी गया, इतने तक तो हाले मिले ही नहीं, अज मैं तकरीबन 7 दिन हो गए चक्कर ला दें, घी नहीं मैं जी घी का पैकेट घी हाँ भाई मेरे, तू तेन कौन सियाना कहेगा, इन्ना तो तेरा पेट्रोल खर्च हो गया जी। बस यही ना कि चलो गवर्नमेंट का रिलीफ है, चलो सस्ता मिल जाएगा, हूँ यह तो नहीं ना सस्ते चक्कर पेट्रोल साड़ दे मजदूर भी छड़ दियो हैं, काम ड्यूटी होना लंच होया तो मैं रोटी नहीं खाती, मैं की लैन वास्ते आ गया, क्यों लैन वास्ते आ गया? ठीक है, जेडी क्वालिटी है मसलन कौन तुसी पूछे कदी कि यार है जेड़ा मैं 10 बजे भी आया हूं तुसी कह रहे क्यों आएगा, मैं आया हूं तो मुक भी गया है, ए कौन ले गया, जिन भूत ले गए ने, ए क्यों जांदा किथे? वो खुद गल ही नहीं करदे, बार गार्ड नु पैगाम दे देंदे, इन्हों कह दो खत्म हो गए, गार्ड को जाओ तो अगे चले जाओ, कहते खत्म हो गए, उन्होंने तक तो जान ही देने काउंटर तक। और यह जो शनाख्ती कार्ड का इन्होंने शर्त लाई है वन टाइम पासवर्ड, वो फॉरमैलिटी ठीक है कि नहीं? सर उन्हें बारे मालूम तो होगी, अगर पहुंचा तो सानू गेट तो ही नहीं अंदर कोई जान दे, गेट तो दिखा देंगे दे, नस जाओ, चौकीदार ही नहीं अंदर जान देता, अगर अंदर चले जाइए तो कहते नहीं जी है ही नहीं। वजीर आला साहब ए तुहाडे सामने एक बाई जेडे बावलपुर दे मजदूरी, बावल नगर तो मजदूरी की खातर लाहौर चे गए ने अपने बीवी बच्चे के नाल, दर बदर से धक्के खाने मजबूर ने, कहते काम वेले कि जावे तो सानू पुछने वाला कौन है, 10 बजे क्यों लैन गया वा, कहते ने जी घंटे बाद आना, घंटे बाद गया वा, क्यों मुक गया है सी, जिन भूत लाए जाते हैं वाला कौन लाए जाता है, यह यूटिलिटी स्टोर का पुरसाने हाल कोई भी नहीं है, यदा जिम्मेदार कौन है, यदा नोटिस कौन लवेगा, यह सवालिया निशान है, और ये आवाम को रिलीफ देने के दावे किए जा रहे हैं, चाहिए कि मोनिटरिंग टीम्स जीडिया ने तश्कील दी जा, छापे मारन जा, यूटिलिटी स्टोर का जो निज़ाम है कि जो फरसूदा निज़ाम है कि शनाख्ती कार्ड लैके आओ वन टाइम पासवर्ड इशू होएगा, एक बंदा पढ़िया लिखे नहीं है, उन्होंने मोबाइल यूज़ करना ही नहीं आता, वो को स्मार्टफोन भी नहीं है, अगर वो स्मार्टफोन जोगा होएगा तो क्यों लैन यूटिलिटी स्टोर पर आएगा, है एक मजहका खेज या एक सिलसिला शुरू किया है, हुकूमत को इस मामले के उत्ते बहुत एहसन इकदाम जड़े ने वो करने की जरूरत हैगी है। अच्छा भाई जी क्वालिटी हैगी इतने मिलती पी है आटा क्यों रिलीफ जिन्होंने दिता जाए, हम मजदूरी 1000 रुपये या 1200 रुपये दिहाड़ी करके 600 रुपये घी लै गए की करांगे, असीं इत्थों सौदा इकट्ठा करांगे अपना फकीरां तरह, उस तों बाद असीं लैके जावांगे, साढ़ा तो हालात अभी मजदूरी करिए सौदा लैके जाइए घर। शुक्रिया अदरीन कराम, ए वजीर आला के दरखास्त है कि मजदूरी करिए कि सौदे वास्ते सारा सारा दिन लैणा खड़ोइए, अंदर की सूरत हाल अगर मैं तुहानू हावां तो यह लाहौर का अहम यूटिलिटी स्टोर है और बड़ी वड्डी आबादी जी है इनू लगती है, इस पास अगर तुहानू मैं हावां तो शेल्फ जिहड़े ने मुख्तलिफ अशिया जी यूटिलिटीज दी ने भरे ने, लेकिन आवाम जी सिर्फ 5 बुनियादी अशिया जिदा कि कल वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने एक अहम इजलास दे विच इस गल का फैसला भी किया कि वह अशियाए खुरदनोश जिदे विच घ्यो दाला चावल आटा ए सबसिडाइज रेट के उत्ते फराहम किए जाएंगे, यूटिलिटी स्टोर के हकाम भी हतुल इमकान अपनी कोशिश करते पे ने, यह स्टोर जिहड़ा कि मेयर मार्केट का स्टोर है इस टाइम खुला है, सहूलियात दी जा रही ने और कुछ लोग खरीदारी भी करते पे ने, इस पास अगर जब तो हो तो इस स्टोर जिहड़ा है इस टाइम मुख्तलिफ मसाला जात जड़े ने वह भी लगे ने, इस पास खजूर मुख्तलिफ मशरूबात और केचअप्स वगैरह भी है ने, लेकिन जी मेन आइटम हैगी है यानी चीनी वो भी मौजूद है, आवाम इतने आ रही है चीनी लैन वास्ते, घ्यो की जी शॉर्टेज है ना वो वजह तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, और हुकूमत अगर दरखास्त हैगी है कि जोड़ा यूटिलिटी स्टोर का घ्यो का कूटा है अगर इनू वधाने वास्ते इकदाम किए जाने तो ना यह लाइना लगनगियाँ ना आवाम दर बदर के धक्के खानगियाँ तो ना यूटिलिटी स्टोर में कष्ट करना पेगा, लिहाजा इस बारे के जोड़े इकदाम किए गए हैं और अहकाम जारी किए गए हैं वो अमल दरामद जोड़ा है वो बहुत जरूरी है। भाई की लैना इन्हें घ्यो लैना है सर, घ्यो लैन आए हो मिले नहीं सर जी, तो घ्यो तो ना आटा कोई चीज़ नहीं, अगर सुबह भी चक्कर लगा गए हैं शाम को भी चक्कर लगा गए हैं, कल तो इतने कोई शायद नहीं। अच्छा यानी ड्यूटी तो बाद ताड़ी जिम्मेदारी है कि चक्कर लाते रहना जी, ड्यूटी के बीच ही गैप हो गया है वहाँ। अच्छा
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਜੇ ਪਰ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਬੋਸ ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਮਸਲ ਲੈਂਦੇ ਸਰ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਮੇਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਤੇ ਆਟਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹਨ ਬੋਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮਤਮਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬੋਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਆਟਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਕੀਮ ਮੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ 150-200 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸੁਬਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ 200-250 ਬੰਦਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰਾ ਤੇ ਚੋਣ ਆ ਕੀ ਮਸਲ ਇੱਕ 235 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਲਬਰਗ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਮੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਆਸ਼ੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਔਰਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਸ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਮ ਆ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਗੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ ਹੁਣ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰ ਹਾਲੀ ਕਿ ਉਸਰਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਰੀ ਉਸਰਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਟੋਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਜੇ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਘੀ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲਵੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਦਰੀਨ ਕਰਾਮ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖਵਾਤੀਆਂ ਕੁਛ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਬਾਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਭਾਈ ਕੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹ ਮੇ ਕੋ 4-5 ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਬਤਾਤੇ ਕਿਆ ਆਪਕੋ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਸ ਆਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਬ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਐਸੇ ਹੋਤਾ ਜਬ ਆਤੇ ਕਹਤੇ ਕੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬਸ ਐਸੇ ਹੋਤਾ ਸ਼ਨਾਤੀ ਕਾਰਡ ਮੰਗ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੇ ਕਹਤੇ ਅਗਰ ਕੀ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈਡੀ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮਿਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਮ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਘੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਚੀਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਟਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਟੋਰ ਭਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਜੋ ਸਭ ਝੂਠ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਘੀ ਦਿੱਤੇ ਤੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਫਿਰ ਘੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਕਹਤੇ ਐਸੇ ਕਿ ਇਸਕਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਾਕਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਏ ਹੈ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਇਹ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮਸਲਨ ਆਪ ਆਤੀ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਲਾਈਨੋਂ ਮੇ ਖੜੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਇਸ ਗਰਮੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਮੇ ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਹਮ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲਾ ਸੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕੈਸੇ ਆਏ ਹਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਤੇ ਹੈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤੇ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਐਸੇ ਆਨਾ ਪੜੇ ਤੋ ਕਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਆਪ ਹਮੇ ਸਹੂਲਤੇ ਪੂਰੀ ਦੇ ਬਸ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋਨ ਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਬਸ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਤੇ ਚਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਏ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰਕਮ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਸਲ ਵਸੂਲ ਆਵਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਪੈਦ ਹੈ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰੈਕ ਭਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ
ऐसी साडा अज दा प्रोग्राम आवाम दी ओ मुश्किल कि यानी जी उन्होंने जिंदगी बराह रास्त जुड़ी हुई है अशाय खुरदोनोश और यूटिलिटी स्टोर का निज़ाम की ग्राउंड रियलिटीज़ ने आवाम कितना कु सहूलियात तो मुस्तफीद हो रही ने आवाम नू सस्ते दामों आटा घ्यो चीनी अशाय खुरदोनोश मिलती पई है की हकीकत है की फसाना है यह सब ते अगे पेश किया है प्रोग्राम तुम वेखते पे पब्लिक आई लाहौर उम्मीद है तुम्हें प्रोग्राम इंजॉय किया होगा फीडबैक के आरा मुंतजर रहेंगे अंटिल नेक्स्ट अपने मेजबान जमल खान को दबो इजाजत अल्लाह नगेबान।